हरियाणा से ये बड़ी खबर, नैब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुना गया। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें न्यूज वन इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है, तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। तो हरियाणा में नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। आपको बता दें कि पंचकुला में भाजपा की मीटिंग में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, खुद गृहमंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं। और इसी के साथ ये तस्वीरें देखिए, बकायदा इस पूरे बैठक में ये फैसला लिया गया। तो ये बड़ी खबर, हरियाणा के मुख्यमंत्री बने रहेंगे नायब सिंह सैनी। बीजेपी की बैठक में सैनी के नाम पर मोहर लग चुकी है। और आपको बताते चले कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इस रेस में कई ऐसे नाम थे, लेकिन नायब सिंह सैनी के नाम पर यह फैसला हुआ। अनिल विज ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा था, तो रेस में सबसे आगे चल रहे थे और विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। यहाँ पर प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आई। लगातार हमने वो तस्वीरें भी देखी कि किस तरह से नायब सिंह सैनी जनता के बीच जा रहे थे, और वो कॉन्फिडेंस और वो दावा जो है वो भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा था जब नायब सिंह सैनी ने कहा था। देखिए इस बीच गृहमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। लगातार तीसरी बार आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और चुने हुए सभी विधायकों ने एक मत से हमारे युवा नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के मजबूत कंधों पर फिर से एक बार हरियाणा के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी लेना तय किया है। मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से, देश के प्रधानमंत्री जी की ओर से और करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से भाई नायब सिंह सैनी को बहुत बहुत बधाई और एक प्रकार से हरियाणा का ये विजय एक प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो विजय की गाथा, विकास की गाथा देश भर में रची गई, घड़ी गई, इसका ये विजय है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विजय है और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए जो संवेदना है, इससे उपजी हुई, निपजी हुई नीतियों का ये विजय है। और देश भर के राजनीतिक परिदृश्य में देखिए तो भारतीय जनता पार्टी के अलावे किसी भी पार्टी का कई सालों से एक प्रकार से 80 के दशक के बाद लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनकर नहीं आता है। अगर आता है तो वो भारतीय जनता पार्टी का ही आता है, और वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी स्थापना से जो लोगों के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए और गरीब कल्याण के लिए नीतियां बनाई, वो नीतियों का एक विजय होगा। हरियाणा के लिए इसका विशेष महत्व है। हरियाणा की स्थापना 60 के दशक में हुई, तब से अब तक कभी भी कोई भी मुख्यमंत्री लगातार तीसरी बार अपनी पार्टी को विजयी बनाने में सफल नहीं हुआ। पहली बार हरियाणा में, लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी। उनका मुख्य कारण है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब संगठन का काम देखते थे तब हरियाणा के प्रभारी थे। हरियाणा के विकास की जरूरियातें, हरियाणा के जनता का सर्वांगीण विकास, इसके लिए उनके मन में हरियाणाओं की समस्याओं की समझ उसी वक्त से बनी जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने अकेले जाने का निर्णय किया और पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी में सरकार बनी। श्री मनोहर जी इसके मुख्यमंत्री बने और मनोहर जी के नेतृत्व में लगभग 9.5 साल सरकार चली। जब पार्टी ने मनोहर जी को केंद्र में दायित्व देने का निर्णय किया, हमारे
युवा मुख्यमंत्री को पार्टी ने बागडोर सौंपी और उनके नेतृत्व में तीसरी बार हमें चुनाव जीत कर पाए। ये चुनाव देश भर के राजनीति के पंडितों के लिए आश्चर्य पैदा करने वाला चुनाव। सबने दिल्ली में एक आकलन लगा दिया था